हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सरल उपाय इजी टिप्स में। हम सरल उपाय इजी टिप्स चैनल में रोज़ाना एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल सरल उपाय इजी टिप्स को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। ये एक नुस्खा कर देगा चेहरे को एकदम गोरा। आज के समय में हर कोई चाहता है कि उनका चेहरा बेदाग और गोरा नजर आए। वो बात अलग है कि आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ में चेहरे की रंगत गायब होती जा रही है। ऐसे में कई लोग गोरे होने के नुस्खे आजमाने लगते हैं और कुछ गोरा होने के उपाय खोजने में लग जाते हैं। कुछ तो तरह तरह की क्रीम लगाकर चेहरे की बची कुची रौनक भी खो देते हैं। इसलिए जरूरी है कि चेहरे को गोरा करने के घरेलू उपाय को आजमाया जाए, जिसका कोई बुरा प्रभाव नहीं होता। आज हम आपको इस वीडियो में चेहरा गोरा करने के उपाय बताने जा रहे हैं, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं। टमाटर का प्रयोग। अगर आपके मन में भी यह सवाल है कि गोरा चेहरा कैसे पाए, तो टमाटर का फेस पैक उसका जवाब है। टमाटर में मौजूद पोषक तत्व हमारी स्किन को सुंदर बनाते हैं। यह गोरा होने का आसान और तुरंत काम आने वाला घरेलू उपाय है, जो त्वचा की रंगत को निखारेगा। इसके लिए सबसे पहले एक बाउल में 1 या 2 टमाटर और 2 चम्मच नींबू का रस मिलाकर उसका पेस्ट तैयार कर ले। अब इस पेस्ट को अपने चेहरे पर हल्के हाथों से लगाएं और कुछ देर के लिए सूखने दे। इसके बाद चेहरा साफ पानी से धो लें। आप इस फेस पैक को नहाने से पहले हर दूसरे दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। यह चेहरे को गोरा और सुंदर बनाने का असरदार उपाय है। नींबू का प्रयोग। नींबू स्किन में गोरापन लाने का एक बहुत अच्छा घरेलू उपाय है। नींबू त्वचा की गहराई तक सफाई कर चेहरे को गोरा और चमकदार बनाता है। यह त्वचा के दाग धब्बों को कम कर त्वचा को न सिर्फ साफ करता है, बल्कि रंगत को भी निखारता है। इसके लिए नींबू के रस को खीरे के रस या बेसन के साथ मिलाकर चेहरे पर लगाएं। अब इसे 10 से 15 मिनट के लिए चेहरे पर लगा रहने दें। फिर चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। इस उपाय को हफ्ते में 2 बार अपनाने से आप थोड़े ही समय में फर्क देखने लगेंगे। हल्दी का प्रयोग। त्वचा के लिए हल्दी बेहतरीन घरेलू उपायों में से एक है। हल्दी में कई औषधीय गुण होते हैं, जिसका प्रयोग प्राचीन काल से ही किया जा रहा है। हल्दी त्वचा की रंगत को निखारती है। इसके लिए सबसे पहले 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 3 चम्मच नींबू का रस लें। इसके बाद हल्दी पाउडर और नींबू के रस को मिलाकर एक फेस पैक बना लें। अब इस फेस पैक को अपने चेहरे पर 10 से 15 मिनट तक लगाकर इसे साफ पानी से धो लें। आप इस फेस पैक का इस्तेमाल हफ्ते में 2-3 बार कर सकते हैं। दही का प्रयोग। दही न सिर्फ आपके चेहरे पर चमक लाता है, बल्कि आपकी त्वचा से गंदगी को निकालकर रंगत को भी निखारता है। इसके अलावा दही में मौजूद पोषक तत्व जैसे विटामिन व प्रोटीन त्वचा को स्वस्थ बनाते हैं। इसके लिए एक बाउल में 2 चम्मच दही और 1 चम्मच शहद मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर ले। अब इस पेस्ट को चेहरे पर 10 से 15 मिनट तक लगा रहने दें। इसके बाद चेहरे को ठंडे व साफ पानी से धो लें। आप इस फेस पैक का इस्तेमाल रोजाना कर सकते हैं। आलू का प्रयोग। आलू, जिसे नेचुरल स्किन वाइटनिंग माना जाता है, इसके लिए सबसे पहले एक आलू लें और इसे बीच में से काट लें। और अब आलू के इन टुकड़ों से चेहरे की अच्छी तरह मालिश करें। 10 से 15 मिनट इसे चेहरे पर रगड़ने के बाद इसे कुछ देर के लिए यूं ही छोड़ दें और फिर ठंडे पानी से चेहरा धो लें। इस घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल रोजाना किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल रोजाना करने से स्किन का रंग निखरने लगता है। मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग। मुल्तानी मिट्टी को कई सालों से त्वचा पर फेस पैक की तरह प्रयोग किया जाता रहा है। यह त्वचा को अच्छे से साफ करता है और साथ ही त्वचा की रंगत को भी निखारता है। एक बाउल में 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी और पानी को मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें। और अब इसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिलाए। अब इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाए और सूखने दे। जब यह अच्छी तरह सूख जाए तो इसे पानी की सहायता से धो लें। आप इस फेस पैक का प्रयोग हफ्ते में 2 बार कर सकते फ्रेंड्स, अगर आपको ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आज ही हमारे चैनल सरल उपाय इजी टिप्स को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।